हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोग कैसे हैं? और एक न्यू ब्लॉग में सबको वेलकम। और आज मॉर्निंग से मैं ब्रेकफास्ट बनाते बनाते सुबह का ब्लॉग वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, अभी मैंने बनाएंगे रावा इडली, सूजी का इडली। तो एक कप मैंने सूजी लिया, मैंने थोड़ा बहुत रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और एक कप मैंने दही सेम क्वान्टिटी मैंने लिया, क्योंकि हाफ भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। मैंने ज़्यादा लिया और फ्रेश दही लिया मैंने, और इससे इडली अच्छा बनता है। और मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा बहुत कम मैंने सॉल्ट ऐड किया। टेस्ट के अनुसार आप ऐड करोगे, जितना आप लोग बनाओगे उतना ही। तो मैं टेस्ट के अनुसार अभी मिला रही हूँ। और अभी दही के साथ मैं इडली को अच्छी तरह से मैं बैटर को मिक्स कर देंगे। और पानी चाहिए तो मैं बाद में ऐड करेंगे, पहले मैंने दही के साथ ऐड कर रही हूँ। और मैंने इधर पानी भी ऐड करेंगे। मैंने हाफ कप जैसे पानी लिया, देखते कितना चाहिए। तो मैंने अभी थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, क्योंकि एक साथ में ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो बैटर पतली भी हो सकती है। इसलिए आप जब पानी ऐड करेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिए। तो मैंने जब इडली मिका लेके आया था, तो मैंने इडली बैटर कभी कभी मैंने रेडीमेड लेके आते, बट मेरे हिसाब से घर में जो भी बनाओ और नेचुरल आप हेल्दी हो सकते, बाहर रेडीमेड बैटर से अच्छा है घर में बनाए। तो देखिए, मैंने एक कप पानी अभी डाल रही हूँ इडली का जो बैटर है ना, तो वो ठीक हो जाएगी बाद में, क्योंकि रवा थोड़ा फूल जाएगी। तो एक कप पानी फूल लग गया मेरे को, और बैटर मैंने बना के अभी 10-20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। उसके बाद मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख देंगे। और इधर रेस्ट करने की रख दी इडली बैटर। और इधर मैंने थोड़ा बहुत काम था, तो क्लीन अप कर रही हूँ मैं सुबह का, मॉर्निंग का। और देखिए, आज बाहर का मौसम कितना अच्छा है। और देखिए, अभी क्लाउडी है, क्योंकि दूर का हिल नहीं दिखाई दे रहे। तो देखिए, 20 मिनट हो गया, बैटर अच्छी तरह से फूल गया। तो मेरे को थोड़ा बहुत गाढ़ा लग रहे, तो मैं थोड़ा बहुत पानी ऐड करेंगे। और अनम नींद से उठ गया, अभी मैंने जल्दी जल्दी इडली बनाएंगे। और क्या है ना, अभी स्कूल छुट्टी था, इसीलिए मैंने ब्रेकफास्ट धीरे धीरे बना रही हूँ। और देखिए, थोड़ा बहुत पानी ऐड कर दिया, और बैटर को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और इधर मैंने पानी बैठा दिया गर्म होने के लिए इडली मेकर में। और देखिए, इधर मैंने ऑयल स्प्रेड कर लेंगे, ताकि इडली चिपक ना जाए अंदर से नीचे से। तो देखिए, मैंने ऑयल, आप घी भी स्प्रेड कर सकते, कोई भी ऑयल घी जो भी। तो अभी ऑयल को मैंने ग्रीस कर लिया। अब मैंने इनो ऐड कर देंगे। मैं देखती हूँ वीडियो में आजकल लोग इनो ऐड करते इडली को फ्लॉफी बनाने के लिए। तो मैं हाफ टी स्पून इनो ऐड करने के बाद मैं थोड़ा पानी से बैटर अभी मिक्स कर दिया। अभी तुरंत डालना है इडली मेकर में, जब इनो ऐड करोगे ना, इनो ऐड करने के बाद बिल्कुल रेस्ट नहीं करना। हाँ, तुरंत ही डाल के स्टीम करना है इडली को, ताकि अच्छी बने, क्योंकि इनो एक्टिवेट हो जाते तो मैंने फास्टली इसलिए। तो देखिए, मैंने सारे इडली मोल्ड में डाल देंगे, और एक मैंने एक बार देंगे सारे, मेरा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ही इडली आता है। और देखिए, पानी भी गर्म हो गया। अब मैंने देखते अभी 20 मिनट लग जाएंगे, 15 से 20 मिनट लगता है ये वाला स्टीम होने में। और ये वाला इडली मेकर इतना अच्छा है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया, क्योंकि ब्रेकफास्ट हेल्दी बने, कुछ भी आप स्टीम कर सकते हैं, मोमोस एंड जो भी। मैंने कभी कभी बहुत तरह का चीज़ें स्टीम करती हूँ। तो मैंने इधर दे दिया इडली को स्टीम होने के लिए। और इधर मैंने आनम के लिए थोड़ा बहुत हेल्दी वाला केक बनाएंगे। और आनम रोज़ बोलते हैं, हाँ केक खाना है, केक खाना। तो मैंने सोचा, आनम का ये वाला जो चॉकोस है ना, वो भी फेवरेट है। तो मैंने सोचा कुछ हेल्दी वाला केक घर में बना देंगे, तो आनम को अच्छा लगेगा। आनम ने आनम ब्रेकफास्ट करने के टाइम देखेगा तो हैप्पी हो जाएगी। तो मैंने ओवन में दे दिया, तो बेक करने के लिए अभी मैंने टाइमिंग सेट कर दिया 4 मिनट के लिए, देखते। तो मैंने निकाल दिया, अभी देखिए थोड़ा बहुत कच्चा लग रही मुझे, तो मैं और 3 और 4-5 मिनट के लिए दे देंगे, तो रेडी हो जाएगी और केक। तो ऐसे तो रेडी हो गया, और देखते अभी मैंने सर्व कर के फिर दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि केक इतना अच्छे से बन गया ना, तो जस्ट जस्ट टाइम नहीं लगता है। और चूल्हा में ना थोड़ा बहुत टाइम लगता है। और देखिए, कितना अच्छे से सॉफ्ट केक बन गया, और हेल्दी वाला कोको पाउडर से मैंने बनाया। और देखिए, अभी गर्म है बहुत ज़्यादा, मैंने इधर अभी पलट देंगे। तो देखिए, कितना सॉफ्ट एंड फ्लॉपी बना केक।
तो ये वाला हेल्दी केक मैंने हमेशा बनाते थे मैम के लिए, कभी कभी चॉकलेट, कभी कभी वैनिला, और अभी है चॉकलेट केक। और इसमें ना मैंने बिल्कुल शुगर भी ऐड नहीं किया, नमक जो प्रोटीन बटर था उससे मैं बना दिया। और इधर देखती हूँ मैं इडली हुआ क्या नहीं, तो अभी तक थोड़ा बहुत कच्चा लग रही, स्पून पे लग रहे, तो और 5 मिनट के लिए कुक हो जाएगी। तो इधर देखिए केक हो गया थोड़ा बहुत ठंडा। तो देखिए मैं काट करके दिखा रही हूँ कि अच्छा ड्राई फ्रूट्स एंड कोको पाउडर एंड बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी केक बन गया। तो अनम को चॉकोस बहुत पसंद है, तो चॉकोस केक बना दिया मैंने। तो अनम देखिए फ्रेश होके ब्रश वगैरह कर लिया, और अभी अनम को सर्व कर रही हूँ। अनम ना खुद खाने से अच्छा वो सबको खिलाए, तो उसका जो चॉकोस है ना वो ज़्यादा पसंद आया, और सबको एक थोड़ा थोड़ा करके केक खिला रहे। ऐसे है अनम, खुद नहीं खाते लेकिन खिलाते सबको ज़रूर। तो देखिए अब इडली भी इधर स्टीम हो गया, तो अब मैं सर्व करूँ इडली। कितना अच्छा पुलावी पलावी बन गया, और बहुत ज़्यादा मैंने अभी इसको चटनी से साथ सर्व करेंगे। आज का ब्रेकफास्ट है इडली, तो मैंने अभी जो इडली बनाया ना रावा इडली, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देखिए। और आज मैंने कुछ डिफरेंट ब्रेकफास्ट बनाया, तो अनम को अच्छा लगे। और मैंने ब्रेकफास्ट हम लोग सब मिलके कर लिया। और देखिए इधर मैंने दोपहर लंच बनाने के लिए आया, क्योंकि अभी मैंने आज लंच में रोटी बनाएंगे और सब्जी बनाएंगे, और सुबह तो ब्रेकफास्ट में इडली खा लिया, और शायद आज दोपहर में मैंने राइस नहीं बनाएंगे, क्योंकि कुछ दिन से राइस ज़्यादा ही खा रहे हम लोग। तो सोच रहे अभी अबू का ऑफिस छुट्टी चल रही, तो रोटी बनाएंगे, तो इसीलिए मैं रोटी बना रही हूँ। और देखिए इधर इडली मेकर वहाँ पे बैठा है अभी तक का किचन, अभी तक मैंने रोटी बनाने के बाद सारे कैन कर लेंगे रख देंगे। तो मैं जब रोटी बनाती हूँ ना, तो मैंने घी से स्प्रेड कर देती हूँ, और पहले कढ़ाई में मैंने घी नहीं लगाती हूँ, रोटी बाद में घी लगाती हूँ, तो सॉफ्ट रहते और अच्छा। अनम को ना हार्ड रोटी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने घी लगा के रख देती हूँ ना, तो सॉफ्ट हो जाते हैं इसे। और जल्दी जल्दी मैं रोटी बना लेंगी ताकि दोपहर लेट ना हो जाए। इधर देखिए अनम कैसे घूम रहे, उसका फेवरेट ड्रेस बैग लेके, और इधर दोपहर का लंच वगैरह बनाना हो गया। आप लंच तो बनाना हो गया, अभी हम लोग लंच करेंगे, और बाहर का हिल मैं देख रही हूँ। तो लंच करना हो गया हमारा, अभी अनम जा रहे उसके पापा के साथ घूमने, मैं भी जाएंगे। तो आज मैंने जो ब्लॉग बनाएंगे वो नेक्स्ट ब्लॉग में छोड़ देंगे। तो व्यूअर्स आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग है घूमने का।